नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार डिवाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो हम कर रहे थे डायरेक्शन टेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछले क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे, आज की क्लास में अन्य कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर एक की। क्वेश्चन नंबर एक में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर एक में पूछा गया, अश्विनी दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर चलती है। अश्विनी दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर चलती है। 13 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद फिर से दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। तो दाएं मुड़ती है और कितना? 8 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है, 8 किलोमीटर चलती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 13 किलोमीटर चलती है। तो दाएं किस तरफ होगा? उत्तर दिशा में। तो दाएं मुड़ती है और कितना? 13 किलोमीटर चलती है। उसके बाद बाएं मुड़ती है और सीधे चलती रहती है। तो बाया पूर्व पश्चिम दिशा में बाया होगा, बाएं मुड़ती और सीधा चलती रहती है। तो ये दिशा कौन सी है? पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा। तो अब कौन सी दिशा में चल रही है अश्विनी? पश्चिम दिशा में चल रही है। तो क्वेश्चन में पूछा गया अब वह किस दिशा में चल रही है? तो अब वह पश्चिम दिशा में चल रही है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि उत्तर पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए और उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? दक्षिण को क्या कहा जाएगा? ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या करना है? जो मुख्यतः दिशाएं होती है ना, उनको बना लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? दिशाओं को बना लेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ऊपर उत्तर दिशा, उत्तर के विपरीत दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा तथा पश्चिम दिशा। ये दिशाएं तो दो एक्चुअल दिशाएं हैं, वो बना ली हमने। अब जो क्वेश्चन के अनुसार दिशाएं दी गई हैं वो दिशाएं बना लेते हैं। क्वेश्चन के अनुसार दिशाएं दी हैं वो बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला गया? उत्तर पूर्व दिशा को क्या कहा जाता है? पूर्व कहा जाता है। उत्तर पूर्व दिशा को क्या कहा जाता है? पूर्व। तो उत्तर पूर्व कौन सी दिशा है? ये दिशा उत्तर पूर्व है। इस दिशा को क्या बोला गया है क्वेश्चन के अनुसार? पूर्व दिशा। पूर्व दिशा। तो पूर्व के विपरीत कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा। तो इस दिशा को क्या बोलेंगे? पश्चिम दिशा। उसके बाद उत्तर दिशा को उत्तर पूर्व कहा गया है। इस दिशा को क्या कहा गया है? उत्तर पूर्व। उत्तर दिशा को क्या कहा गया? उत्तर पूर्व कहा गया है। उत्तर पूर्व। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है कि उत्तर पश्चिम दिशा को क्या कहा गया है? उत्तर पश्चिम दिशा को उत्तर कहा गया है। उत्तर पश्चिम दिशा। तो हमारे पास उत्तर पश्चिम दिशा, यही दिशा बनती है ना, उत्तर पश्चिम दिशा। इस दिशा को क्या कहा गया है? उत्तर दिशा। उत्तर दिशा। तो उत्तर के विपरीत दक्षिण दिशा, उत्तर के विपरीत दक्षिण दिशा। अब इस दिशा को क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा। इस दिशा को क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा। तो इस दिशा को बोलेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा। यह दिशा अपने पास दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा। सभी दिशाएं कैलकुलेट कर लेना, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। सभी आठ की आठ दिशाएं अपने पास प्राप्त है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा? दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा? तो यहां देखो दक्षिण दिशा एकदम नीचे की तरफ है। यहां देखो दक्षिण दिशा को क्या बोला जा रहा है? दक्षिण पश्चिम दिशा।
दक्षिण पश्चिम दिशा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो रियल दिशाएं हैं उनको बनाओगे, उसके बाद जो इमेजिनरी दिशाएं हैं काल्पनिक दिशा या क्वेश्चन में जो दिशाएं बोली गई हैं वो दिशाएं बनाओगे, तो आप क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगे, आप आसानी से उसका आंसर निकाल लोगे। अगर इसी में आप सभी करोगे ना तो थोड़ा सा आपको टफ हो सकता है, क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ऋषभ पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है और कितना चलता है 70 मीटर। पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है और 70 मीटर चलता है, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता और 35 मीटर चलता है। यहां देखेंगे तो ऋषभ का बायां किस तरफ है, उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में, तो ऋषभ का बायां दक्षिण दिशा में। कितना चलता है 35 मीटर। 35 मीटर सबसे पहले पश्चिम की ओर चल रहा था, 70 मीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़ता है 35 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 30 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है और कितना चलता है 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है, उसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ता और 35 मीटर चलता है। तो फिर से किस दिशा में मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ेगा और कितना 35 मीटर चलेगा, 35 मीटर चलता है। अब वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, तो ऋषभ का शुरुआती बिंदु ऋषभ का यह है। अब वर्तमान बिंदु ऋषभ का कौन सा है, यह वर्तमान बिंदु है और ये शुरुआती बिंदु है, तो शुरुआती बिंदु से कुल कितना दूर है, तो ये टोटल दूरी कितनी है, यहां से यहां तक टोटल दूरी कितनी है 70 मीटर। 70 मीटर में से यहां तक जब चला ऋषभ तो उसने 30 मीटर दूरी तय कर ली ना, माइनस 30 मीटर। तो अब बता सकते हैं कि कितना दूर है 40 मीटर। तो ऋषभ शुरुआती बिंदु से कितना दूर है 40 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया शिवा पूर्व की ओर कितना चलती है 18 किलोमीटर चलती है, 18 किलोमीटर चलती है, वह बाईं ओर मुड़ता है और 37 किलोमीटर चलता है। ऋषभ बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है 37 किलोमीटर। तो दक्षिण में ऋषभ का क्या होगा दायां और बायां उत्तर में, तो बाईं ओर मुड़ता है ऋषभ शिवा और कितना चलता है 37 किलोमीटर चलता है, उसके बाद में वह बाईं ओर मुड़ता है और 24 किलोमीटर चलता है। तो अब यहां से ऋषभ का बायां किस तरफ होगा, पूर्व में दायां पश्चिम में बायां, बाईं तरफ मुड़ता है और कितना 24 किलोमीटर चलता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ऋषभ का आरंभिक बिंदु क्या है, यहां पर ऋषभ का आरंभिक बिंदु यह है जहां पर सर्किल बना हुआ है, आरंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु यह है, क्रॉस वाला अंतिम बिंदु, सर्कल वाला आरंभिक बिंदु। अब देखो क्या पूछा गया है, किस दिशा में है आरंभिक बिंदु से, तो इस बिंदु से किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, आरंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में है ऋषभ, तो इसका राइट आंसर उत्तर देखो यहां पर देखो कितना बराबर कर दिया हमने, कितना चलता है 24 किलोमीटर चलता है और यहां 18 किलोमीटर, तो अब देखो तिरछा हो गया ना, यहां पर दूरी क्या होगी तिरछी होगी। अब बता सकते हैं ना कि आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, इस दिशा को कौन सी दिशा बोलते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। हमारे पास
कुल आठ दिशाएं होती हैं, उत्तर दिशा पश्चिम दिशा। तो इन दोनों के मध्य उत्तर पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा। तो अब शिवा अपने घर से किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया रेहाना अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में ड्राइव करती है, अपने घर से 6 किलोमीटर पश्चिम में ड्राइव करती है। तो मान लो रेहाना का घर कहां पर है? यहां पर है। यहां से पश्चिम में कितना? 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। उसके बाद बाएं मुड़ती और 3 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब उत्तर में रेहाना का दायां, तो बायां किस दिशा में? दक्षिण दिशा में। बाएं मुड़ती और कितना? 3 किलोमीटर ड्राइव करती है। उसके बाद फिर से बाएं मुड़ जाती और 10 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर से बाएं मुड़ जाती है और कितना? 10 किलोमीटर ड्राइव करती है। रेहाना का घर और कार्यालय के बीच सबसे कम दूरी, तो यहां रेहाना का क्या है? कार्यालय है। यहां रेहाना का घर है। घर और कार्यालय के मध्य सबसे कम दूरी पूछी गई है। तो यहां से देखो ये दूरी हमारे पास कितनी हो जाएगी? यहां पर 3 किलोमीटर है, तो यहां पर भी कितना हो गई? 3 किलोमीटर। ये कंप्लीट दूरी कितनी है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर टोटल 10 किलोमीटर, 10 में से 6 किलोमीटर। तो यहां तो ये दूरी कितनी बच गई? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। अब रेहाना के घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात करनी है, तो ज्ञात कर लेंगे ना? कौन सी थ्योरम लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या हो जाएगा? कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कांड रूट। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड किया 25। 25 का रूट कितना होता है? 5। तो रेहाना के घर और कार्यालय के बीच सबसे कम दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया मीना मिनल उत्तर की ओर 45 मीटर चलती है, उत्तर दिशा में 45 मीटर चलती है, 45 मीटर उत्तर दिशा में चलती है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 35 मीटर चलती है। किस तरह मुड़ती है? बाईं ओर। बाईं ओर मुड़ने के बाद 35 मीटर चलती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और कितना? 26 मीटर चलती है। तो दायां उत्तर दिशा में, दाईं ओर मुड़ती है और कितना? 26 मीटर चलती है। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ती है, 35 मीटर चलती है। तो फिर से दाईं ओर मुड़ेगी और कितना? 35 मीटर चलती है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और अपने घर पहुंचने के लिए 17 मीटर चलती है। अंत में किस दिशा में? बाईं ओर मुड़ती है और अपने घर पहुंचने के लिए 17 मीटर चलती है। तो ये क्या है? मिनल का घर है, अपने घर पहुंच गई। ये मिनल का प्रारंभिक बिंदु। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो शुरुआत की बिंदु यह, इस बिंदु से यहां तक की दूरी, तो ज्ञात कर सकते हैं ना? यह दूरी कितनी? 45, 45 मीटर प्लस ये मध्य की दूरी कितनी है? यहां से बता सकते हैं ना? 26 प्लस 26, उसके बाद 17 ऐड कर देंगे, टोटल करेंगे तो कितना होगा? 88 मीटर, 88 मीटर। अब ये पूछ ले
कि घर से किस दिशा में कार्यालय, तो उत्तर दिशा में। ये पूछ ले कि कार्यालय से घर किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा में। लेकिन यहां में सिर्फ दूरी पूछी गई है, तो कुल कितनी दूरी है घर से कार्यालय के मध्य, कुल कितनी दूरी है 88 या 88 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सुयेश अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है। कहां से चल रहा है? अपने कार्यालय से चल रहा है। किस दिशा में? दक्षिण की ओर 40 मीटर चलता है। तो दक्षिण दिशा में कितना? 40 मीटर चलता है। वहां से वह दाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर चलता है। वहां से वह किस दिशा में मुड़ता है? दाएं तरफ। अब दक्षिण में जा रहा है तो दाएं किस तरफ होगा? पश्चिम की तरफ। और बाएं किस तरफ होगा? पूर्व की तरफ। तो पश्चिम की तरफ दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 35 मीटर चलता है। दाएं मुड़ने के बाद 35 मीटर चलता है। उसके बाद फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 70 मीटर चलता है। फिर से दाईं ओर मुड़ता है तो दायां उत्तर में दाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है? 70 मीटर चलता है। उसके बाद अंत में एक बार दाईं ओर मुड़ता है और अपने घर पहुंचने के लिए 75 मीटर चलता है। एक बार दाईं ओर मुड़ता है और अपने घर पहुंचने के लिए कितना चलता है? 75 मीटर चलता है। तो यहां उसका क्या है? घर है, घर पहुंच गया। अब उसके कार्यालय एवं उसके घर के बीच सबसे छोटी दूरी ज्ञात करनी है, सबसे छोटी दूरी, न्यूनतम दूरी। तो ये क्या होता है उसका कार्यालय, यहां क्या है? घर है। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? टोटल दूरी कितनी थी? 70, 70 से 40 मीटर ये दूरी हो गई। तो ये दूरी कितनी हुई? 30 मीटर, 30 मीटर हुई। अब देखो यहां से ये दूरी कितनी है? 35 मीटर। और टोटल ये दूरी कितनी है? 75 मीटर। टोटल दूरी कितनी है? 75 मीटर। टोटल दूरी 75 मीटर। 75 मीटर में 35 मीटर तय कर चुका है। कितनी दूरी तय कर चुका है? 35 मीटर। तो 35 मीटर दूरी ये हो गई। अब हमारे पास कितनी बची यहां पर? 40 मीटर दूरी। कितनी दूरी? 40 मीटर दूरी। अब देखो ये दूरी अपने पास 30 मीटर, यहां पर दूरी 40 मीटर। ये दूरी कौन सी होगी? न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं ना? क्या करेंगे? 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का रूट। 40 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 30 का स्क्वायर 900। 1600 प्लस 40, 1600 प्लस 900 करते हैं 2500 का रूट है 5 का, 25 का रूट 5 और 00, तो 00 का रूट 10। कितना आ जाएगा? 50 मीटर। कितना? 50 मीटर। तो सुयेश के कार्यालय तथा घर के मध्य न्यूनतम दूरी या सबसे छोटी दूरी कितनी है? 50 मीटर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है उदय पश्चिम की ओर 25 मीटर चलता है। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में 25 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता और 55 मीटर चलता है। तो यहां से उदय का बायां दक्षिण दिशा में होगा, बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है? 55 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और
45 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ने के बाद 45 मीटर चलता है, 45 मीटर चलता है। अब वह फिर से दाईं ओर मुड़ता और 70 मीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता और कितना 70 मीटर चलता है, 70 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से 15 मीटर उत्तर में पहुंचने के लिए किस दिशा में और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो अब यहां पर है उदय और प्रारंभिक बिंदु यहां पर है, प्रारंभिक बिंदु से 15 मीटर उत्तर में, 15 मीटर उत्तर में, तो ये दूरी 55 और 55 में 15 ऐड करेंगे 70, तो 15 मीटर। तो किस दिशा में चल रहा अभी, दिशा पूर्व दिशा, किस दिशा में चलेगा पूर्व दिशा में उदय, कितना दूरी 15 मीटर, प्रारंभ बिंदु से कितना दूरी 15 मीटर उत्तर में, तो 15 मीटर उत्तर में यह उसका उदय का क्या है अंतिम बिंदु है, यहां उदय का प्रारंभिक बिंदु है। अब यहां से कितना 15 मीटर किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। अब पूछा क्या गया है कि किस दिशा में और कितना दूरी चलना होगा, तो यहां देखो यह दूरी 45 मीटर और यह दूरी 25 मीटर, दोनों को ऐड कर देंगे 45 और 25, 70 मीटर, 70 मीटर। तो यहां से दूरी कुल कितनी तय करनी पड़ी उदय को, 70 मीटर दूरी तय करनी पड़ी, किस दिशा में पूर्व दिशा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 70 मीटर पूर्व दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है रोहन का मुख पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में इस प्रकार लिख लेना पहले, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, और इधर लिख लेना वामावर्त, एक तरफ वामावर्त दूसरी तरफ दक्षिणावर्त लिख लेना। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले दक्षिणावर्त कितना डिग्री, 45 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर से दक्षिणावर्त, 180 डिग्री, फिर से दक्षिणावर्त, उसके बाद में 225 डिग्री वामावर्त, 225 डिग्री वामावर्त। तो यहां वामावर्त का टोटल कितना हुआ, 225 डिग्री, जबकि दक्षिणावर्त का टोटल कितना हुआ, 180 प्लस 45, 225 डिग्री। दोनों सेम है ना, दोनों सेम है तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है, जीरो डिफरेंस है, जीरो डिफरेंस है। इसका मतलब जिस दिशा में रोहन का मुख था उसी दिशा में रोहन का मुख होगा। तो शुरुआत में रोहन का मुख किस दिशा में था, पश्चिम दिशा में, तो अब भी रोहन का मुख किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया तमन्ना अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चल रही है, किस दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर चल रही है तमन्ना अपने घर से। 500 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ी और 500 मीटर चली, बाएं मुड़ती है तमन्ना और कितना 500 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 250 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 250 मीटर चलती है और अपने दोस्त के घर पहुंच गई। यहां उसके दोस्त का घर है और यहां अपने घर से चलना प्रारंभ किया था तमन्ना ने। अब उसके दोस्त के घर से उसका घर किस दिशा में है, तो यहां किसका घर है, उसके दोस्त का घर है और उसका घर यहां पर है, तो किस दिशा में है, कौन सी दिशा, उत्तर पश्चिम दिशा,
उत्तर पश्चिम दिशा। उसके दोस्त के घर से उसका घर कौन सी दिशा में पूछा जाए तो अलग आंसर होगा, और उसके घर से उसके दोस्त का घर पूछा जाए तो अलग आंसर होगा। उसके घर से उसके दोस्त का घर तो कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, और उसके दोस्त के घर से उसका घर कौन सी दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके दोस्त के घर से, उसके दोस्त के घर से उसका घर किस दिशा में, तो यहां उसके दोस्त का घर है, उसके दोस्त के घर से उसका खुद का घर किस दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर, दक्षिण पूर्व दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुबह कॉलेज जाते समय पलक चौराहे पर अपनी सहेली लीला से मिलती है, जब एक दूसरे का अभिवादन करती हैं दोनों, तब पलक देखती है कि लीला की परछाई पलक के ठीक दाईं ओर बन रही है, किसके दाईं ओर, पलक के दाईं ओर। तो यहां से देखो ये हमारे पास कुल कितनी ये दिशाएं हैं, सुबह सूर्य किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में, तो यहां पर सूर्य चमक रहा है। अब क्या बोला है कि पलक के ठीक दाईं ओर बन रही है, लीला की जो परछाई है वो पलक के ठीक दाईं ओर बन रही है, जब पलक का मुख यहां होगा दक्षिण की तरफ, तभी तो उसकी जो लीला की परछाई है वो पलक के दाईं तरफ बनेगी। पलक का मुख भी दक्षिण की तरफ और लीला का मुख भी दक्षिण की तरफ, नहीं लीला का मुख नहीं बता सकते अभी, अभी पहले किसका मुख, पलक का मुख, पलक का मुख दक्षिण की तरफ, तो दायां पलक का किस तरफ, पश्चिम की तरफ, और बायां पूर्व की तरफ। जब सूर्य पूर्व में है तो परछाई किस दिशा में बनेगी, पश्चिम दिशा में या दाईं ओर। अब बोला गया अपने कॉलेज जाने के लिए पलक किस दिशा में जा रही है, तो यहां लीला के बारे में नहीं पूछा गया, यहां सिर्फ पलक के बारे में पूछा गया, पलक के बारे में क्यों, क्योंकि हो सकता है लीला यहां बैठी हो और लीला की परछाई अब भी पलक के दाईं तरफ बन रही है, अब भी पलक के दाईं तरफ बन रही है ना, और अगर लीला यहां पर हो तब भी लीला की परछाई पलक के दाईं तरफ बनेगी, तो यहां से पलक के बारे लीला के बारे में नहीं पूछा गया, सिर्फ पलक के बारे में पूछा गया कि पलक का मुख किस दिशा में, तो पलक का मुख दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया सुमित उत्तर पूर्व की ओर अभिमुख होकर बैठा हुआ है, इसके बाद 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, अंत में वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, तो अब वह किस दिशा की ओर मुख या विमुख होकर बैठा हुआ है, तो सबसे पहले दक्षिणावर्त और यहां लिख लिया वामावर्त, दक्षिणावर्त और वामावर्त। अब सबसे पहले किस दिशा में, दक्षिणावर्त, कितना 90 डिग्री, उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, 135 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठा हुआ है, तो दक्षिणावर्त का टोटल कितना हो गया 180 डिग्री, जबकि वामावर्त का टोटल कितना रहा 135 डिग्री। जब दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 45 डिग्री किस दिशा में, दक्षिणावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त।
सबसे पहले उसका मुख किस दिशा में था? उत्तर पूर्व दिशा में। किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में। अब कितना दक्षिणावर्त कितना टर्न करेगा, कितना मुड़ेगा? 45 डिग्री। तो जब 45 डिग्री दक्षिणावर्त टर्न करेगा उसका मुख किस दिशा में हो जाएगा? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ अपने घर से अपने विद्यालय की ओर चलना शुरू करता है। पहले वह पश्चिम की ओर कितना चलता है? 2 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता अपने घर से। फिर दक्षिणावर्त 90 डिग्री मुड़ता है। तो यहां से कितना दक्षिणावर्त कितना मुड़ता है? 90 डिग्री। तो अब उसका मुख किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। कितना चलता है उत्तर दिशा में? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। उसके विद्यालय से उसका घर किस दिशा में है? तो विद्यालय कहां पर है? यहां पर विद्यालय। विद्यालय से घर क्या पूछा गया है? उसके विद्यालय से उसका घर किस दिशा में है? तो दक्षिण पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा? दक्षिण पूर्व दिशा। आंसर ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचा पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर चलती है। पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर चलती है। दाई ओर मुड़ती है 35 किलोमीटर चलती है। तो दाई ओर मुड़ने के बाद कितना चलेगी? 35 किलोमीटर चलती है। उसके बाद फिर से दाई ओर मुड़ती है तथा 40 किलोमीटर चलती है। फिर से दाई ओर मुड़ने के बाद 40 किलोमीटर चलती है। वह दाई ओर मुड़ती है और 35 किलोमीटर चलती है। एक बार फिर से वह किस दिशा में मुड़ती है? दाई ओर मुड़ती है और कितना चलती है? 35 किलोमीटर चलती है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो यहां पर आगने के बाद में रिचा रुक जाती है। यह रिचा का प्रारंभिक बिंदु है। यह कंप्लीट दूरी कितनी है? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर में से 25 किलोमीटर तो यह दूरी बच गई। अब यह बीच की दूरी कितनी बची? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर तो कितनी होगी? 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, श्री निजा अपने घर से 9 किलोमीटर श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। कितना? 9 किलोमीटर चलती है। फिर दक्षिण की ओर मुड़ी और 11 किलोमीटर चली। दक्षिण की ओर मुड़ के कितना चलती है? 11 किलोमीटर चलती है। उसके बाद पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चलती है। पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चलती है। 13 किलोमीटर चली। अब वह अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली। पश्चिम की ओर कितना चली? 4 किलोमीटर। तो यहां से वापस आई और पश्चिम की ओर कितना चली? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अब क्या पूछा गया है? श्री निजा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो उसका प्रारंभिक स्थान क्या था? यहां पर, और अंतिम स्थान यहां पर। अब यहां से कितनी दूरी पर है श्री निजा? तो देखो यहां बराबर ये दूरी और ये दूरी बराबर है। कितनी? 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। ये टोटल दूरी 13 किलोमीटर थी।
13 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर वापस आ गई तो कितना 9 किलोमीटर। ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर हो गई ना, ये दूरी अगर बराबर है तो ये दूरी भी क्या हो गई, अब बराबर हो गई, कितना 11 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव अपने घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है जिसका मुख उत्तर दिशा में। गौरव के घर के मुख्य द्वार कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। जब पिछले दरवाजे से घर से बाहर निकलेगा तो कौन सी दिशा से बाहर निकलेगा, दक्षिण दिशा से। मुख्य दरवाजा उत्तर दिशा में तो बाहर निकलेगा दक्षिण दिशा से, तो दक्षिण दिशा से बाहर निकलता है और कितना चलता है 25 मीटर सीधा चलता है, 25 मीटर सीधा चलता है। 25 मीटर सीधा चलने के बाद फिर बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है। तो यहां से उसका बायां पूर्व दिशा में बाएं मुड़ता और 36 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता और 47 मीटर चलता है, फिर से किस दिशा में बाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है 47 मीटर। तो बाईं ओर मुड़कर 47 मीटर चला, अब वह फिर से बाईं ओर मुड़ता और कितना चलता है 36 मीटर। तो यहां से बाईं ओर मुड़ा और कितना चला 36 मीटर। अब वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो यहां पर क्या था, यहां पर गौरव का घर था और यहां पर गौरव अंतिम स्थान पर रुक गया। अब यहां से बीच की दूरी, तो दूरी निकाल लेंगे, ये टोटल दूरी कितनी है 47 और ये दूरी 25, तो 47 से कितना माइनस कर देते हैं, 25 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 22 प्राप्त होता है। तो दूरी कितनी हो गई 22 मीटर। दिशा कौन सी, उत्तर दिशा। तो घर से किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, कितना 22 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, चित्रांशी अयान एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, अयान की छाया चित्रांशी की बाईं ओर पड़ती है। तो यहां देखो, ये दिशा उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा। समय सुबह का है तो सुबह सूर्य किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में, सूर्य पूर्व दिशा में चमक रहा है। चित्रांशी और अयान एक दूसरे के आमने सामने है तो अयान की छाया चित्रांशी के बाईं ओर पड़ रही है। अब चित्रांशी कहां पर बैठी हुई है, जब चित्रांशी यहां पर बैठेगी तब अयान यहां बैठेगा, यहां बैठेगा तब अयान की छाया चित्रांशी के बाईं तरफ, क्योंकि चित्रांशी का मुख किस दिशा में, उत्तर दिशा में। जब उत्तर दिशा में होता है तो बायां पश्चिम दिशा में और दायां पूर्व दिशा में। जब सूर्य पूर्व दिशा में है तो बायां पश्चिम दिशा में और पश्चिम दिशा की तरफ किसकी, अयान की, अयान की जो परछाई है वो बन रही है। अयान का मुख किस दिशा में, तो अयान का मुख दक्षिण दिशा में, चित्रांशी का मुख उत्तर दिशा में, सूर्य पूर्व दिशा में। अयान का मुख किस दिशा में है, दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेता अपने कार्यालय से चलना प्रारंभ करती है तथा दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है। दक्षिण दिशा में 150 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है 80 मीटर चलती है, दाएं मुड़ने के बाद 80 मीटर चलती है, फिर वह बाएं मुड़ती है तथा 60 मीटर चलती है। तो बाएं मुड़ेगी, बाएं मुड़ती है, कितना चलती है 60 मीटर चलती है। अब वह
अंत में बाएं मुड़ती है और एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है। तो बाएं मुड़ती है और एक बैंक तक पहुंचने के लिए कितना चलती है? 280 मीटर। 280 मीटर। अब उसके कार्यालय और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। यह तो क्या था? श्वेता का कार्यालय, और यह वह बैंक है जिसमें श्वेता अभी गई है। तो अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 80। यहां से यहां तक की दूरी 80। तो ये आगे की दूरी कितनी बची? 200 मीटर। 200 मीटर। यहां से यहां तक की टोटल दूरी तो 60 मीटर, तो ये दूरी, और 150 मीटर ये दूरी। तो ये कंप्लीट दूरी कितनी हो गई? 210 मीटर। अब दूरी कौन सी ज्ञात करनी है? यहां सविता का कार्यालय, यहां सविता जिस बंक में गई, तो ये दूरी ज्ञात करनी है। अब हमारे पास ये दूरी प्राप्त है और ये दूरी मिली हुई है, तो ज्ञात कर सकते हैं ना, ये दूरी कितनी है? 200 मीटर, और ये दूरी 210 मीटर। तो निकाल सकते हैं 210 मीटर का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर अपॉन सॉरी रूट इक्वल टू 21 का स्क्वायर 441, 0 00 आ जाएंगे, प्लस 2 का स्क्वायर 400 है तो 40 आ जाएंगे का रूट। इनको टोटल करेंगे 0 01 48, 84 100, 84 100। अब 84 100 किसका वर्ग होता है? किसका वर्ग होता है? तो 290 का, 290 का, या 84 100 या 84 100 का जो रूट है वो कितना होगा? 290। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? 290 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, किस दिशा में? पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ने के बाद 10 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 20 मीटर चलता है। तो किस तरह मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है, और कितना चलता है? 20 मीटर। दाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़ता है 10 मीटर चलता है। अब अंत में वह बाईं ओर मुड़ता और 20 मीटर चलता है। अब बाईं ओर मुड़ता है किस दिशा में? बाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है? 20 मीटर। तो यहां अंतिम स्थान, यहां प्रारंभिक स्थान। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? कि वह अपने कार्यालय पहुंच जाता है, तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? 20 मीटर। 20 मीटर दूरी है, 40 मीटर और 20 मीटर ये 60 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 60 मीटर। तो अपने घर से जो अमित है वो टोटल कितनी दूरी पर है? 60 मीटर पर। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। आशा है कि आप सभी को प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप सभी को प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने इस डिवाइन क्लासेस भाग्य के परिवार में अपने दोस्तों को ऐड कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद सभी का।